नवंबर को शराब के नशे में निपनिया पुल से गिरने वाले युवक का शव रविवार को सिविल लाइन थाना अंतर्गत करैया पुल के समीप झाड़ियों में फंसा मिला। पुलिस ने शव को संजय गांधी अस्पताल भेजा। 3 नवंबर को शराब के नशे में निपनिया पुल से गिरने वाले युवक का शव रविवार को सिविल लाइन थाना अंतर्गत करैया पुल के पास झाड़ियों के बीच फंसा मिला। पुलिस ने शव को संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। सिविल लाइन पुलिस ने इस बात की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को भी दे दी, क्योंकि निपनिया पुल सिटी कोतवाली अंतर्गत ही आता है, वहीं पर ये हादसा हुआ था। पिछले दिनों सिटी कोतवाली अंतर्गत निपनिया पुल से शराब के नशे में गिरने वाले युवक वसंत बाल्मीक पिता मोहन बाल्मीक का शव सिविल लाइन थाना अंतर्गत करहिया पुल के पास झाड़ियों में फंसा हुआ मिला है। सिविल लाइन थाने की पुलिस को इस बात की सूचना मिली, करहिया पुल के पास नदी के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश फंसी हुई है। सूचना पाकर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को बरामद करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया है। इस बात की सूचना पिछले दिनों शराब के नशे में निपनिया पुल से गिरने वाले बसंत बाल्मीक के परिवार को दे दी गई है। इस बात की जानकारी पाकर बसंत बाल्मीक का परिवार संजय गांधी अस्पताल की पोस्टमार्टम रूम में पहुंचा। वहां पर उसने शव को देखा और परिजनों ने शव की पहचान बसंत बाल्मीक के रूप में कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, ये हमारे ही परिवार का सदस्य है, पिछले दिनों निपनिया पुल में गिर गया था। हम आपको बता दें, बीते 3 नवंबर की शाम को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया पुल से बसंत बाल्मीक गिर गया था। चश्मदीदों की माने तो शाम से ही शराब के नशे में था, काफी ज्यादा उसने शराब का सेवन कर रखा था। वह लगातार पुल के पास टहल रहा था, इसी दौरान उसने पुल के पास लगी रेलिंग से टिकने का प्रयास किया। रेलिंग में तो वह नहीं टिक पाया, बल्कि सीधा पुल से नीचे जा गिरा। आसपास के लोगों ने शोर मचाया, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हुए। इस बात की जानकारी तत्काल ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। उसने होमगार्ड की टीम और SDRF की टीम को भी निपनिया पुल के पास बुला लिया। उन्होंने बोट की सहायता से बसंत बाल्मीक को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। लगातार बसंत बाल्मीक की खोज गुरुवार की देर शाम के साथ अगले दिन शुक्रवार और शनिवार को भी दिन भर होमगार्ड और SDRF की टीम ने की। बोट लेकर वो लगातार नदी में ढूंढते रहे। बसंत को ढूंढने का अभियान लगातार चलता रहा, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। आज उसकी लाश निपनिया पुल से गिरने के बाद लगभग 4-5 किलोमीटर आगे बने इसी नदी पर दूसरे पुल करहिया पुल के पास मिली। उसी के पास झाड़ी में फंसी हुई। हमने आपको पहले भी बताया था, निपनिया पुल में हाल के दिनों में यह दूसरा हादसा था जब शराब के नशे में कोई व्यक्ति नदी में गिरा हो। शहर के तमाम पुल पर प्रोटेक्शन के लिए जाली लगा दी गई है, जिसकी वजह से कोई हादसा ना हो। निपनिया में भी छोटी पुल के पास बने नवनिर्मित पुल पर भी दोनों ओर जाली लगा दी गई है, लेकिन पुराने पुल पर अभी भी किसी तरीके का प्रोटेक्शन का कोई भी इंतजाम नहीं है। हालांकि नए पुल पर तो कर दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। बसंत बाल्मीक पिता मोहन बाल्मीक, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। उसके परिवार में उसके 2 भाई हैं। बसंत की शादी अभी नहीं हुई थी, वह शराब पीने का आदी था। काम उसके पास कोई था नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर से कमाया और शराब पीने बैठ जाता था। नदी के किनारे यही उसकी दिनचर्या हुआ करती थी। आम दिनों में इसी के चलते गुरुवार को भी उसने काफी जरा शराब पी रखी थी। उससे ठीक से चलने भी नहीं बन रहा था। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वह डगमगाते हुए कदमों से निपनिया पुल पर टहल रहा था। उसी दौरान पुल के ऊपर लगे रेलिंग से टिकने के प्रयास में वह रेलिंग में नहीं टिक पाया और सीधे पुल के नीचे जा गिरा, जिसका शव आज बरामद किया गया है। रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने इस बात की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दे दी है। बसंत की लाश की पहचान भी हो गई है। परिजनों ने मान लिया हमारे ही परिवार की बसंत की लाश है। 6:30 के आसपास पता चला है कि यहाँ दारू पी के घूम रहा था और पुल में टिका है,
रेलिंग में, जैसे ही रेलिंग में टिकने के लिए करा तो नीचे गिर गया है।